का उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना सब कुछ देश के लिए होता है। स्वप्न में भी वह देश प्रेम की स्वप्न देखते हैं। साथियों आप किसी गुहा का नाम नहीं है। नेहरू युवा केंद्र से आए हुए सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और यह धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस भाषण प्रतियोगिता में मुझे बोलने का अवसर दिया। देशभक्ति एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही शरीर रोमांच से भर जाता है। एक ऐसा भाव व्यक्त पैदा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव सा प्रतीत होता है। एक ऐसा जोश और जिम्मेवारी का भाव पैदा होता है जो समय और उम्र की सीमा को तोड़कर सब में एक रूपता का बोध कराता है। जाति वर्ग संप्रदाय और धर्म की सारी सीमा टूट सी जाती है और प्रेम एवं मध्यम की निर्भर धारा बहने लगती है। दिल गर्व से भर जाता है क्योंकि देश की त्याग के भावना अपने उत्कर्ष पर होती है और फिर युवा पर ये सब अपने आप आने लगते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं पर पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश भक्त व्यक्ति वह होता है जो अपने देश की सेवा और प्यार के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। किसी भी व्यक्ति में ये सबसे अच्छे गुणों में से एक देशभक्ति होती है। यह मन की पवित्र भावना है। देशभक्ति तो हमें विरासत में मिली है। हम यह सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे भगत सिंह महात्मा गांधी चंद्रशेखर आजाद लक्ष्मीबाई जैसे हजारों देशभक्तों ने अपनी